बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणदीप हुड्डा को लेकर आई है बेहद बुरी खबर सामने। जी हां, आपको बता दें कि स्टोरी और लिरिक्स राइटर प्रियंका शर्मा ने रणदीप हुड्डा को घेर लिया है। दरअसल प्रियंका ने एक्टर को यानी कि रणदीप हुड्डा पर 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में और भी कई सारे नाम लोगों के शामिल है। प्रियंका शर्मा ने इस मामले में हरियाणा पुलिस महानिदेशक फरीदाबाद के रेंज कमिश्नर को मेल के जरिए शिकायत दर्ज करवाई। रजत कलसन ने बताया है कि प्रियंका शर्मा फिलहाल सूरत में रहकर फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट, स्टोरी और गाने लिखने का काम करती है। प्रियंका शर्मा ने एक्टर रणदीप हुड्डा को भेजे हैं नोटिस और कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक्टर से कांटेक्ट किया था, साथ ही उन्हें कई सारी स्टोरीज भी भेजी थी। उन्होंने प्रियंका की स्क्रिप्ट पर जल्द ही काम शुरू करने का भरोसा भी दिया था। प्रियंका शर्मा ने ईमेल, व्हाट्सएप पर रणदीप हुड्डा, आशा हुड्डा, मनदीप हुड्डा, अंजलि हुड्डा, मैनेजर मनीष पंचाली चौधरी और मेकअप आर्टिस्ट रेणुका पिलवाई को करीब 1200 गाने और 40 स्टोरीज भेजी। सालों बीत जाने के बाद ना तो स्टोरीज पर काम शुरू हुआ और ना ही कोई गाना बना। इसके अलावा जब प्रियंका ने स्क्रिप्ट और गानों को वापस मांगने के लिए कांटेक्ट किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। प्रियंका शर्मा ने इस मामले में हरियाणा पुलिस महानिदेशक फरीदाबाद के रेंज कमिश्नर को मेल शिकायत दर्ज करवाई है। अधिवक्ता ने बताया है कि प्रियंका शर्मा ने पिछले 8 साल में जो भी सहा है उसके लिए अब 10 करोड़ रुपए का हर्जाने के तौर पर इन सभी के नाम शामिल है और इन सभी को नोटिस भी भेजा गया है। नेक्स्ट लाइव से रोशनी की रिपोर्ट।